दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका नए वीडियो में। इस वीडियो में जो है एचएल की तरफ से अप्रेंटिसशिप निकल के आई है, तो उसी पे जो है रिलेटेड ये पूरा वीडियो रहने वाला है। कैसे जो है आपको फॉर्म अप्लाई करना है और उसके बाद जो है एज लिमिट क्या रहने वाली, सारी डिटेल इस वीडियो में रहेगी। तो वीडियो जो आप पूरा अंत तक देखिएगा तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आती है। जैसे बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक, तो उस पर आप डायरेक्ट जो है आप क्लिक करिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद जो है हमने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है, तो वहाँ से जो है नॉर्मली आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो हम जो है अभी आपको बता देते हैं सारी डिटेल। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है। एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, ये जो है यानी कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है आपका, डायरेक्ट ये ही जो है आपको यानी कि ये वैकेंसी कहाँ के लिए, हैदराबाद के लिए लिमिटेड की तरफ से, हैदराबाद की तरफ से ये रहने वाली है। तो आपको वाकई इंटरव्यू होगा और जस्ट आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो कौन कौन सी ट्रेड के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे तो वो चीज़ आपको बता देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 55 वैकेंसी हैं, फिटर की 35 हैं, इलेक्ट्रीशियन की 25 हैं, मशीनिस्ट की 8 हैं, टर्नर की 6 हैं, वेल्डर की 3 हैं, आरएसी की जो है 2 हैं, कोपा की 55, प्लम्बर की बात करें तो ये 2 वैकेंसी रहने वाली हैं, पेंटर की 5, डीजल मैकेनिक 1, मोटर व्हीकल मैकेनिक 1, ड्राफ्टमैन सिविल 1, ड्राफ्टमैन मैकेनिक 1-2। टोटल मिला के जो है 200 वैकेंसी निकल के आई हैं कुल 14 यानी कि ट्रेड को मिला के। तो जो है आप अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो इसमें जो है आप जा सकते हैं। केवल जो है एनसीवीटी से जो कैंडिडेट कर रखे हैं आईटीआई वही एलिजिबल रहने वाले हैं, जो एससीवीटी से आईटीआई कर रखे हैं वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो फॉर्म नहीं जस्ट अप्लाई करना है, आपको वॉक एंड इंटरव्यू के माध्यम से जो है आपको डायरेक्टली कहाँ पे जाना है, हैदराबाद एचएल में जाना है, वहाँ पे जो है आपका सारा प्रोसेस चालू हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, आपको डेट बता देते हैं। ये डेट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक डीजल मैकेनिक की जो है 20/5/2024 को जाएंगे, यानी 20 मई को जाएंगे 9 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में। उसके बाद जो है बात करें पेंटर, फिटर, प्लम्बर, पेंटर ये भी जाएंगे, और उसके बाद बात करें कोपा, मोटर मैकेनिक, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्टमैन मैकेनिक ये जाएंगे 21 मई को, मशीनिस्ट, आरएसी, टर्नर, ड्राफ्टमैन सिविल ये जाएंगे 22 मई को। ये आप सारी जो है डेट देख सकते हैं, इसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना है, आपको जाना है ऑडिटोरियम बिहाइंड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एवोनिक्स डिवीजन बालानगर हैदराबाद, ये आपका पिन कोड रहने वाला है। आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, आपके पास आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, आईटीआई मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद जो है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। जैसे बात करें आपके पास ओरिजिनल और जो है फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। जैसे बात अभी कर लेते हैं अप्रेंटिसशिप इंडिया साइट पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसमें जो है 100% आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। वहाँ से जो है आपको जस्ट डाउनलोड करना है, यानी कि उसका भी प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना है। ये जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको वहाँ पहुँच जाना, एचएल हैदराबाद पहुँच जाना है, वहाँ पर जो है आपको सारे डिटेल आगे रहेगा। ये नोटिफिकेशन जो है व्हाट्सएप ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं या जो है नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।